हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। गाइस, अगर आप रियलमी 3 खरीद चुके हो या आपके पास है और गलती से आप इसका पासवर्ड भूल गए हो, तो यहां पे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह आप अपने फोन के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सेटिंग के अंदर। तो मैं यहां पर जो है सेटिंग में चला जाता हूं। सेटिंग में जाने का यह ऑप्शन एक स्क्रीन पर है, एक ऊपर से आता है शटर गिरा के यहां से, तो आप कोई भी चुन लो, ठीक है। उसके बाद आप देखना यहां पर आपको नीचे में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, सिस्टम ऐप, ऐप मैनेज, ग्लोन ऐप, गेम स्पेस, गूगल अकाउंट, सिंक, अबाउट फोन, सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है, एडिशनल सेटिंग। तो आपको चलना है एडिशनल सेटिंग में। यहां आप देखोगे यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा नीचे आना है, नीचे आना है, और यहां पे आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलता है बैकअप एंड रीसेट का। तो यहां पे जो ऑप्शन है रीसेट डिफैक्टर सेटिंग, अब इसमें आपको देखिए क्लियर ऑल डेटा, बहुत सारे ऑप्शन है यहां पे, ठीक है। एक ऑप्शन है रीस्टार्ट सिस्टम सेटिंग ओनली, यानी मान लो आपका सिस्टम सेटिंग में आपको लगता है कोई दिक्कत हो गई, आपको उसको रीस्टार्ट करना है, जस्ट पहला वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। दूसरा क्लियर डाउनलोडेड ऐप एंड ऐप डाटा, तो जितने ऐप आपके फोन में है जो नए डाउनलोड किए हैं आपने या जो पुराने थे और उनके जो है डाटा में कुछ सेव है जो आप नहीं रखना चाहते हो, कुछ भी है, तो जस्ट आपको ये कर देना है। उसके बाद है क्लियर ऑल डाटा, यानी सारा डाटा क्लीन हो जाएगा, जिसके अंदर आएगा फोटो, वीडियो, आपके फोन में रखा हर एक आइटम, सॉरी स्क्रीन, हाँ स्क्रीन फ्लक्चुएट हो रहा है, वेट, ओके, ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। उसके बाद फिर क्या है, फिर यहां पे हमें एक और ऑप्शन देखने को मिलता है सेटिंग में, क्लियर दी कॉन्टैक्ट एंड कॉल हिस्ट्री, जिससे कि सिर्फ कॉन्टैक्ट और कॉल हिस्ट्री क्लियर होगा। और सबसे लास्ट का जो ऑप्शन है क्लियर मैसेज SMS, ये वो, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन चुनना है क्लियर ऑल डाटा, इसके अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग फोटो, वीडियो, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, सेटिंग, सब कुछ। दो बार पूछेगा, क्लियर डाटा का कमांड दे देना है और फोन जो है बूटअप मेन्यू में जाएगा, जहां पे फोन जो है पूरा फॉर्मेट होने के बाद दोबारा से रीस्टार्ट होगा। इस प्रोसेस में 2-3 मिनट लग सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर नीचे में लिख के आ रहा है रिकवरी मोड, नहीं दिखेगा, मेरे फोन के कैमरा की उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो यहां पर जो ये लोगो आ रहा है, अब कुछ सेकंड्स इसको लगेगा प्रोसेसिंग होने में। देखो वाइपिंग प्लीज वेट, यानी कि सब कुछ जो है क्लीन हो रहा है, थोड़ा देर इंतजार कीजिए। इस प्रोसेस के लिए आपके बैटरी को 50% से ऊपर होना चाहिए और इधर इधर जो है कोई भी ऑप्शन को आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है, इसको डायरेक्टली इसी तरह जो है होने देना है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि अगर छेड़छाड़ करोगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है, मे बी इसके होने में बस हो गया। अब जो है ये दोबारा से बूट अप होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो फॉर्मेटिंग डाटा और ये डाटा 100% कंप्लीट हो गया है। गाइज, इससे रिलेटेड और भी अगर आपको वीडियो देखनी हो, जैसे कि AMOLED वाला वॉच जो आपको स्क्रीन में दिखा था, आप हमारा देख सकते हैं, फॉन्ट पूरा चेंज हुआ हुआ था, और भी कई सारी चीजें इस फोन के रिगार्डिंग आपको हमारे रियल रिव्यू नाम के चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर इस तरह की और भी चीजें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फोन जो है फॉर्मेट हो चुका है और यहां पे रियलमी के ब्रांडिंग वाले लोगों के साथ फोन रीस्टार्ट भी हो रहा है, कुछ सेकंड्स और फोन आपका बिल्कुल नए की तरह हो जाएगा। तो जस्ट अ मोमेंट, तब तक मैं बता दूं इसके बारे में कुछ और बातें। अगर आपको इसका टेम्पर ग्लास लेना है, उसके लिंक नीचे है, क्योंकि टेम्पर ग्लास लगा लेना, स्क्रीन गार्ड में उतनी कैपेसिटी नहीं होती है सेफ्टी की जो टेम्पर ग्लास में होती है। इसके बाद कैमरा बम्प के लिए भी कैमरा बम्प प्रोटेक्टर ले लेना, वरना कैमरा पे आपके स्क्रैच लग सकता है। फिंगरप्रिंट तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और कवर वगैरह जो भी लेना हो मैं नीचे लिंक दे दे रहा हूँ अच्छे अच्छे कवर का, तो आप वो सब सेलेक्ट कर सकते हो। अभी भी ये रियलमी का लोगों के साथ ही आ रहा है, यानी अभी तक रीस्टार्ट नहीं हुआ, मतलब कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है। पहली बार जब मैंने बूटअप किया था तो ये तुरंत ऑन हो गया था, फर्स्ट टाइम जब बूट किया था, बट अभी क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मेट करके क्लियर डाटा मारा है पूरा और फिर से बूट कर रहे हैं, तो कुछ टाइम लग रहा है, तो इसको होने देते हैं और जैसे ही आगे का स्टेप आता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं हमारा फोन ऑन हो गया है और यहाँ पर कोई भी पासवर्ड वगैरह नहीं मांग रहा है, स्किप जस्ट हम कर देते हैं। मैं आपको पूरा फोन ऑन करके दिखाऊंगा, क्योंकि ट्रस्ट लेवल तो तभी बनेगा ना जब आप पूरा फोन देखोगे ऑन होते हुए। तो इसे बंद कर देते हैं और यहां पर कंटिन्यू इसे हम लोग बंद कर देते हैं। बंद मैं इसलिए कर रहा हूं, वरना फिर जो क्या होता है ना कि ईमेल आईडी फिक्स हो जाता है फोन में, कि वो ईमेल आईडी से ही खुलेगा। और यहां पर सारे सेटिंग्स को हम लोग स्किप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी सेटिंग नहीं आ रहा है। ऑटो अपडेट ओवरनाइट ऑफ, सेट एज अ न्यू रियलमी फोन, और ये सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए पूछ रहा है, तो हमें भाई कोई एप्लीकेशन नहीं चाहिए, हमारे फोन को आप बस इंस्टॉल कर दो। अच्छा, एक दो रखना पड़ेगा, चलो तो व्हाट्सएप रख लेंगे। ओके, स्टार्टिंग एक्सपीरियंस ColorOS 6। ओके, तो देखा आपने फोन फर्स्ट बूट हो गया है, बस बहुत ही सिंपल सी चीज थी, आई होप आपको समझ में आ गई। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।